हेलो एवरीवन, दिस इज़ कुलदीप पताल एंड यू आर वाचिंग माय चैनल कुलदीप्स बायोलॉजी। हमारे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में स्टडी कर लिया था। और आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं वो है ओवरी। एक पेयर होता है ओवरीज का और ओविडक्ट का भी, वो ये भी पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। और एक होता है यूट्रस और फिर होता है सर्विक्स। यहाँ पे स्पेलिंग आप सही कर लीजिए, CERVIX एंड देन विजाइना एंड देन एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो आगे करते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, मैमरी ग्लैंड्स, जो कि सारे मैमिलियन फीमेल्स का करैक्टर है। आगे पढ़ते हैं हम ओवरीज के बारे में। ओवरीज क्या होती हैं? ओवरीज होती है, ये पेयर में प्रेजेंट होती हैं। पहले भी हमने बात की है इसके बारे में कि पेयर में प्रेजेंट होती है। पेयर का मीनिंग हो गया कि दो ओवरीज प्रेजेंट होती हैं और ये फ्यू सेंटीमीटर्स की होती हैं, आर्मड शेप होती हैं। ओवरीज आर अटैच्ड विद यूट्रस विद द हेल्प ऑफ ओवेरियन लिगामेंट के साथ ये अटैच होती हैं यूट्रस में। टेस्टिस के अनलाइक हम कह सकते हैं कि ओवरी जो है एब्डोमिनल पोजीशन इनको मिली है। ओवरीज एब्डोमेन में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन टेस्टिस के लिए जो है एब्डोमेन में कोई स्पेस नहीं होता, लेकिन स्पेसिफिक सक्रोटम ऐसा ऑर्गन बनता है जिसमें टेस्टिस जो रहते हैं। उसके लिए भी एक रीज़न था, क्योंकि जो टेस्टिस का टेम्परेचर है जो वो नॉर्मल बॉडी से 2 से 2.5 जो ज़्यादा लो रखना होता है, इसीलिए उसके लिए सेपरेट आउटग्रोथ होता है और वहाँ पे टेम्परेचर जो मेंटेन किया जाता है। लेकिन ओवरी में ऐसा नहीं है, ओवरी एब्डोमेन में प्रेजेंट रहती हैं। और ये ओवरीज के बारे में कुछ पॉइंट मैंने सेपरेट करके आपको बताए हैं कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ऑब्वियसली ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ओवरीज प्रेजेंट होनी मस्ट हैं। और फीमेल गैमीट है, ओवम जिसे हम कहते हैं, ओवम को कैरी करती हैं ओवरीज। और इसमें से कुछ हमें स्टीरॉयड हॉर्मोन्स भी मिलते हैं, ओवरीज में ही प्रेजेंट होते हैं। और लेंथ होती है 2 से 3 सेंटीमीटर की। और ये हो गए फंक्शंस ओवरी के फंक्शन क्या करती है ओवरी। यहाँ पे फॉर्मेशन होता है ओवा का, ओवम का, और सेक्रीशन होता है फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स का, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। ओके, ओवरी के बाद जो पार्ट प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं ओविडक्ट। और ओविडक्ट भी पेयर में होते हैं, साइड वाइज होते हैं, तो दो ओविडक्ट होंगे। उनका जो लेंथ होता है 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है। और ओविडक्ट को हम समझने के लिए तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तीन हिस्सों से मिलके बना होता है ओविडक्ट। फर्स्ट पार्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं इनफंडिबुलम, एम्पोला एंड इस्थमस। मैं इसे आपको डायग्राम से दिखा देती हूँ। देखिए, ये आपको डायग्राम अच्छे से करना है, लर्न करना है और ड्रॉ भी करना है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि पहले हमने ओवरी के बारे में पढ़ा है। तो ये ओवरी, ये पिंक कलर का जो पार्ट है इसे ओवरी कहते हैं। और ये जो पार्ट है इसे मैंने जो किया है, आउटलाइन भी की हुई है, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं ओविडक्ट और फिलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। तो ये रहा ओविडक्ट। इसके हमने कहा कि तीन पार्ट होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। ये है फर्स्ट जो पार्ट, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं यहाँ पे, तो इसे बोलते हैं फिम्ब्री। ठीक है, ये फिंगर लाइक आउटग्रोथ है, इसे हम फिम्ब्री बोलते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया इनफंडिबुलम। ये इसका जो काफ़ी ज़्यादा डायमीटर रहता है। और इसके बाद होता है एम्पुला। एम्पुला थोड़ा नैरो चला जाता है इससे ज़्यादा। और इससे नेक्स्ट पार्ट होता है इस्थमस। तो ये तीनों पार्ट्स मिलके बनाते हैं ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। तो मैंने बोला था ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं, तो इधर भी एक फेलोपियन ट्यूब, इधर भी एक फेलोपियन ट्यूब हो सकती है। ठीक है, दोनों ही होंगी ही, तो इधर भी है और एक इधर भी है। ओवरीज भी पेयर में है, इधर भी एक ओवरी है, इधर भी एक ओवरी है। तो ये डायग्राम आपको अच्छे से करना है। आगे हम थ्योरी से पढ़ते हैं, एक एक पार्ट करके हम इस डायग्राम से करते जाएंगे। जैसा कि हमने उधर पढ़ा
इन्फेंटिबुलम, एम्पुला, इस्थमस हमने देखा अभी डायग्राम से, ठीक है। तो इन इन तीनों के हमने डायग्राम जो है अच्छे से देख लिए कि किस तरीके से ये दिखते हैं। इसके बाद आता है यूट्रस। यूट्रस जो है इन्वर्टेड पीयर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इन्वर्टेड पीयर शेप्ड होता है और पेल्विक वाल से अटैच रहता है लिगामेंट की हेल्प से। और यूट्रस इज प्लेस वेयर द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू फीटस। ओके, तो जो यूट्रस है वही वो जगह है जहाँ पे एम्ब्रियो फीटस में डिवेलप होगा। और जो यूट्रस होता है वो विजाइना में ओपन होता है, किसके थ्रू? नैरो सर्विक्स के थ्रू, ठीक है। यूट्रस ही विजाइना में ओपन होता है सर्विक्स के थ्रू, जो कि नैरो ओपनिंग होती है, एक नैरो पैसेज होता है सर्विक्स। यूट्रस के तीन पार्ट होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, ठीक है। इसकी तीन मेम्ब्रेन्स रहती हैं। पहले हम यूट्रस को भी देख लेते हैं डायग्राम में, इसी पार्ट को यूट्रस बोलते हैं। तो इसकी तीन जो पार्ट्स हैं, तीन जो लेयर्स हैं, सबसे आउटर लेयर जो रहती है उसे कहते हैं पेरीमेट्रियम, उससे सेकंड वाली लेयर, ये जो काफ़ी ज़्यादा वाइड है, तो इस पार्ट को हम कहेंगे मायोमेट्रियम। ये है यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस नज़र आ रही है वो हो गया मायोमेट्रियम, और जो इनर वाली जो मेम्ब्रेन है इसे हम बोलेंगे एंडोमेट्रियम। तो तीन मेम्ब्रेन्स होती हैं यूट्रस की, ये सारे के सारे डायग्राम यूट्रस का ही है। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए डायग्राम अच्छे से। ये तो यूट्रस का हो गया पार्ट, ओवरी हो गए और ये हो गया ओविडक्ट। यहाँ से भी हम थ्योरी से भी कर लेते हैं थोड़ा। यूट्रस के तीन पार्ट हमने देखे, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम थी जो वो थिन और एक्सटर्नल थी, सबसे बाहर वाली थी, एक्सटर्नल इसीलिए कहा है, और थिन थी। मायोमेट्रियम जो थी काफ़ी थिक थी, मिडल थी, सेंटर में थी, तो मिडल बोलेंगे, थिक काफ़ी ज़्यादा, मोटी भी थी, वो फ्लैशी सेल से, सॉरी स्मूथ सेल से बनी होती है, स्मूथ सेल से, नॉट फ्लैशी, स्मूथ सेल से बनी होती है। इट एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। बेबी के डिलीवरी के ड्यूरिंग ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन रखती है। इसके बाद जो मेम्ब्रेन है उसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, जो कि सबसे इनर होती है, सबसे अंदर वाली साइड होती है। इट अंडरगोस पीरियोडिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और एंडोमेट्रियम का और भी काफ़ी बड़ा रोल है कि एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस इज सेट फॉर इम्प्लांटेशन एंड फिटल ग्रोथ। फर्टिलाइजेशन के बाद जब इम्प्लांटेशन होती है, फिटल की ग्रोथ होती है, वो भी एंडोमेट्रियम पे ही होती है। हमने पढ़ लिया है ओवरी के बारे में, ओविडक्ट के बारे में, और बाद में यूट्रस के बारे में भी पढ़ लिया है। और फोर्थ पार्ट आ गया सर्विक्स। सर्विक्स नैरो कैनाल होता है जो कि कनेक्ट करता है यूट्रस और वजाइना को, ठीक है। इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ बर्थ कैनाल, दैट इज सर्विकल कैनाल। ओके, अगर हम कहेंगे सर्विक्स जो है, सर्विक्स जो कैनाल बनाएगा उसे हम सर्विकल कैनाल बोलते हैं, और अगर वजाइना की ओपनिंग भी साथ में ली जाए तो उससे कलेक्टिवली हम कहते हैं बर्थ कैनाल। तो अगर हम डायग्राम से देखें, जो सर्विकल कैनाल है, अगर वजाइना की पार्ट भी हम इंक्लूड करते हैं तो इस पूरे के पूरे को बर्थ कैनाल बोल देते हैं। आई होप आपको समझ में आया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ये आप हमने जो डिस्कस किया आज वो इंटरनल ऑर्गन थे जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं। कल हम थोड़ा एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में पढ़ेंगे और मैमरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।